Hello, students. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education i welcome you all to join online class now let's start the video dear students today we will learn about chapter measurement of class third subject science and in this video we will discuss about measuring capacity students we already know that need for measurement measuring length and weight equipments that used to measure length and weight we already learn about these things that how can measure in measure of weight and लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड विच मेजरमेंट्स यूज्ड फॉर मेजर सॉरी विच इक्विपमेंट्स यूजड फॉर मेजर लेंथ एंड वेट इन दिस वीडियो वी वील लर्न अबाउट मेजरिंग कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट uh, की मेजरिंग कैपेसिटी क्या होती है यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी एंड विच यूनिट यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इक्विपमेंट्स यूज टू मेजर कैपेसिटी एंड विच इक्विपमेंट्स दैट वी यूज टू मेजर कैपेसिटी मेजरिंग स्पून्स मेजरिंग सिलेंडर्स मेजरिंग बेकरस एट्सेट्रा एटसेक्ट्रा नाउ वॉट इज कैपेसिटी कैपेसिटी क्या होती है दो फ्लिक्विड ए ए कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज कैपेसिटी कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज ए कैपेसिटी ए बकेट कैन होल्ड मोर लिक्विड दैट ए मग ओके वी नो दैट बकेट इज बकेट कैन होल्ड मोर लिक्विड दैट ने मग दे फॉर कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज हायर क्यों क्योंकि बकेट जो होती है वो ज्यादा अमाउंट में लिक्विड को होल्ड कर सकती है और एक मग में कम लिक्विड होल्ड कर सकते हैं तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई बकेट की लुक एट तो पिक्चर ए शोन ही पिक्चर मग इज फुल इट मीन्स फुल फुल मीन्स कि इसकी जो कैपेसिटी है वो इस मग में जो लिक्विड है वो क्या है उसकी कैपेसिटी अधिक है एंड सेकंड इज इम्प्टी तो उसकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है थर्ड इज हाफ फुल एंड लास्ट फोर्थ इज हाफ इम्प्टी तो सबसे ज्यादा किसने कैच कर रखा है किस किसकी है कैपेसिटी फुल मग की क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर रखा लिक्विड को होल्ड कर रखा है यूनिट्स फोर मेजरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स को यूज में लेते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज द लीटर लिक्विड को हम किस में मेजर करते हैं लीटर्स में तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है कैप कैपेसिटी को मेज़र करने की वो क्या होती है लीटर स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन द यूनिट मिलीलीटर जो स्मॉल अमाउंट में जो लिक्विड होता है वह किस में मेज़र किया जाता है कौन से यूनिट यूज़ में लेते हैं मिलीलीटर्स लीटर्स को हम कैसे रिप्रजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एल एंड मिलीलीटर को एम एल मेजरिंग कैपेसिटी वन टी स्पून होल्ड्स फाइव एम एल वन टी स्पून होल्ड्स फाइव एम एल वायले ग्लास होल्ड अबाउट टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल ऑफ़ लिक्विड एक टीस्पून कितना होल्ड करके रख सकती है फाइव एम और जबकि एक ग्लास जो होता है वो कितना लिक्विड होल्ड करके रख सकता है टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल द कैपेसिटी ऑफ मीडियम साइज मिनरल मिनरल वाटर बोटल इज वन लीटर बोटल जो होती है मिनरल वाटर की जो बोटल होती है मीडियम साइज की उसकी कैपेसिटी कितनी होती है वो कितना वाटर होल्ड करके रख सकती है वन लीटर तो ये क्या है कैपेसिटी मेजरिंग मीन्स किसकी कैपेसिटी को कौन कितनी कैपेसिटी को मेजर कर सकता है जैसे कितनी कैपेसिटी में होल्ड करके रख सकते हैं टी स्पून जो होती है वो फाइव एम एल लिक्विड को कर सकती है एक ग्लास जो होता है उसमें टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल लिक्विड होल्ड करके रखा जा सकता है जबकि एक मीडियम साइज जो मिनरल वाटर बोतल होती है उसमें एक लीटर वाट लिक्विड को होल्ड करके रख सकते हैं तो इन सब की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है इक्विपमेंट्स यूज़ टू मेज़र कैपेसिटी अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ में लेते हैं जिससे कि कैपेसिटी को मेज़र करते हैं सम इक्विपमेंट्स यूज टू मेज़र कैपेसिटीज आर मेजरिंग मेजरिंग सिलेंडर, स्पून, जिसे की किसी स्पून की जैसे अभी हमने बताया कि फाइव एम एल लिक्विड जो होती है वो एक टी स्पून टी स्पून जो होती है वो कितना लिक्विड स्टोर कर होल्ड कर सकती है फाइव टी स्पून फाइव एम एल मेजरिंग बीकर इन सब से हम इन सब ये जो इक्विपमेंट है इनको यूज करके हम उस लिक्विड की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं कि वो कितने लिक्विड को होल्ड करके रख सकता है कितनी अमाउंट में उसमें लिक्विड होल्ड हो सकता है मेजरिंग स्पून्स ए स्पून ऑफन अटेस्ट विथ अदर ऑफ डिफरेंट साइजेस एज ए सेट स्पून ऑफन अटेस्ड विथ अदर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एज ए सेट दैट वेन फिल्ड गिवस ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए सब्सटांस जब उसको फिल किया जाता है किसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए सब्सटांसेस मेजरिंग स्पून्स आर यूज टू मेजर मेडिसिन मेजरिंग जो स्पून होती है वो मोस्टली किसमें यूज में, में ली जाती है मेडिसिन एंड कुकिंग रेडियंट कुकिंग जो ग्रेडियंट्स होते हैं उन सब को किससे मेजर करते हैं मेजरिंग स्पून से एंड मेडिसिन जो होती है वो भी किससे मेजर की जाती है मेजरिंग स्पून से विच आर नीडेड इन स्मॉलर क्वांटिटी क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी रहती है हमें कितनी आवश्यकता होती है इनकी क्वांटिटी की बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी नीड होती है तो इसी के लिए इनको मेजरिंग स्पून में मेजर किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर ए मेजरिंग सिलेंडर इज ए पीस ऑफ लेबोरेटरी ग्लास लेबोरेटरी ग्लास का ये क्या होता है पीस दर यूज टू एक्यूरेटली मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर इज ए पीस ऑफ लेबोरेटरी ग्लास देट आर यूज टू एक्यूरेटली मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड यानी ये किस कि किस चीज को मेजर करने में यूज मिल जाता है लिक्विड की वॉल्यूम को ऑफ़न The biggest graduated cylinders are made of polythene or other stiff plastic, making them lighter and less fragile than, but more difficult to sterilize. The biggest graduated cylinders are made up of polythene or other stiff. प्लास्टिक मेकिंग दम लाइटर एंड लेस फेगलाइट दट मोर डिफिकल्ट टू स्टलाइज जो कि स्टेलाइज में स्टेलाइजेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं क्पेश डिजाइंड कप यूज इन कुकिंग फॉर मेजरिंग इनग्रीडियंट स्पेशल डिजाइंड कप होता है जो कि बीकर क्या होता है कि स्पेशल डिजाइंड कप होता है जो कि कुकिंग के लिए जब हम कुक करते हैं किसी भी फूड को तो कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है मेजरिंग कप्स आर डिजाइन टू होल्ड वन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एन एज ए हाफ कप थर्ड कप और क्वार्टर कप इट मींस मेजरिंग जो सिलेंडर होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट इंग्रेडिएंट्स की क्या कर सकता है होल्ड करके रख सकता है जैसे कि हाफ कप हो गया थर्ड हो गया थर्ड कप क्वार्टर कप फुल कप तो ये सब अमाउंट क्या कर सकता है वो होल्ड करके स्पेसिफिक जो अमाउंट होते हैं, वो होल्ड कर सकता है मेनी लार्ज मेजरिंग कप्स आर मार्क्ड टू शो डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी जो लार्ज मेजरिंग कप्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी मार्क्ड होता है जो क्या शो करता है डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी की यहाँ जैसे कि रूलर के अंदर मार्क्स होते हैं वैसे ही उसमें मार्क्स लगे हुए होते हैं जो कि अलग अलग जो कैपेसिटी के लेवल्स होता है उनको शो करता है इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न और सजेशंस please write us on mentioned comment box we will try to resolve your query be happy be safe thank you